यट। देखो आप क्या लिख दिया, मैंने शुद्ध लिखा है अशुद्ध लिखा है, बात को पकड़ने की कोशिश करो। मैंने लिखा शी डिड नॉट रिटर्न होम यट, आपने देखा सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, यट आ रहा है। अगर सेंटेंस के अंत में यट आ रहा है तो उस सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं हो सकता, उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग होगा, हैज और हैव, हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो शी डिड नॉट कि आपको करना चाहिए, शी एक वचन है तो आ जाएगा हैज, शी इज नॉट या रिटर्न जो है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, शुद्ध बनेगा शी हैज नॉट रिटर्न्ड, और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बाद अगर होम शब्द का प्रयोग होता है तो टू नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि गो होम, गो टू होम गलत होता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं मैं बताता हूं आपको, एक शब्द लिखो सी ए आर जी प्लस होम, बात को समझना, होम एक एडवर्ब है, आपको यह पता होना चाहिए कि होम एक नाउन, आपको लगता है कि होम एक नाउन है, होम यानी होता है घर, पर घर बेशक एक संज्ञा है, लेकिन इन क्रियाओं के साथ सी ए आर जी जो क्रियाएं मैं बता रहा हूं इनके साथ जब भी होम का प्रयोग होगा तो इसके अंत में चाहे एलवाई आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई आए। जैसे मैंने कहा कि वह जोर जोर से रो रहा है, और मैंने इंग्लिश में कहा ही इज वीपिंग लाउडली, या लाउड के अंत में एलवाई आ रहा है और आपने पहचान लिया कि एडवर्ब है और यह उसके रोने की विशेषता बता रहा है कि वह जोर जोर से रो रहा है, तो आपने एक नियम बना लिया कि जब भी एडवर्ब आएगा तो अपने अंत में एलवाई लेके आएगा, परंतु वास्तव